दगड़ियों, पहला कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दगड़ियों, स्कूल से मैं आ चुका हूँ और खाना वाना मैंने फिलहाल अभी नहीं खा रखा है आज। तो दगड़ियों, स्कूल से आते ही कपड़े वपड़े बदलते ही बिना हाथ मुंह धोए मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और दगड़ियों, हमारे यहाँ छिन में उखौमा चल रही है चूड़ की कुटाई। तो दगड़ियों, आप यहाँ ये देख सकते हो कितना अच्छा माहौल हो रहा है ना। हाँ, कितने सारे लोग हमारे घर के यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। तो बिन खाना खाए मैंने आज का व्लॉग तभी स्टार्ट कर रखा है क्योंकि अभी ये माहौल ना बहुत ही अच्छा है, जम रखा है। जीत भाव जी देखो, उखौमा चूड़ की कुटाई कर रहे हैं। लली वो नीचे से उसको अटाव रही है और वैशाली, और यहाँ देखो ये चूड़ों को कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ना, फेर रहे हैं, मतलब घुटनी घुटनी। तो देखो दगड़ियों, जैन ने चूड़न का घुटने ने ये बजड़ा काठल घुटने, ये देखो ये इसी घुटनी हो जेल बाजरे कुचल झाड़ झाड़ी ने, ये तली जो जड़ होने ये जड़े इनका भुननी हो। दगड़ियो ये देखो, ये इल्लचियो चूड़े घाड़ बनूनी हो, एक एक ब्याला घाण तुम कहो जीर बाजू चूर चपाड़ कपाड़ मुछवाला खा रहे यस कोनी ना चूर चुटण में कुटण में चुटण में कोनी कुटण में ए भगवान के जनो यो। तो आप दूसरा शिफ्ट आ चुका है दगड़ियों, आप चचा की बारी है। ये आप जिरबाजू थोड़ा रेस्ट मार रहे हैं, चचा की बारी है। अभी जो ये चूड़ कूटे और भुने जा रहे हैं दगड़ियों, ये है जिरबाजू राठो के, और अभी थोड़ी देर में ना चचा औरों के भी चूड़ों को कूटने और भुनने हैं। तो आज इन दोनों मोह की यहाँ चूड़ों की ही बुझ चल रही है अभी शाम के टाइम में। तो आमो हमार का दिन पसंद अच्छा हमारा एतवार दिन छन, तो आज हमारा टाइम से जरा सोमवार दिन चलो जदिन ना कुटन पे। लड़कों की घाण बढ़ चुकी है ये देखो, ये ना लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है ना। अच्छा पहले लड़कियों की होती है लड़कों की है चाची की होती है पहले, पहले लड़कों की ना हाँ। फिर लड़कियों की अब बट रहा है कन्याओं को चूड़, यहाँ कन्याओं की घाण भी पूरी कुट चुकी है ना, कन्याओं में चाची ले चाची महिलाओं में वह न, लेकिन महिलाओं और कन्याओं के लिए दोनों के लिए, मतलब जो भी स्त्रियां हैं ना लड़कियां हैं वो उनके लिए हैं। बढ़िया हरी चूड़ है, लाप्पा करो हो, लाप्पा करो 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 लाप्पा करो, यहीं चाबे लाप्पा करो भाई हो, यहीं चाबे लाप्पा। लली तू ले, तू सुबाना का लाप्पा कर। बबली दीदी भी आ चुकी है चूड़ को लाप्पा करने के लिए जिबड़ी से, और हमारे छनामो वाले पालन चचा भी आ चुके हैं यहाँ चूड़ों का स्वाद लेने के लिए। बूबू भी आ चुके हैं दगड़ियों चूड़ खाने के लिए ना, बूबू एक बच रहे थे। फाइनली दगड़ियों, फाइनली हमारे प्यारे बूबू भी आ चुके हैं यहाँ चूड़ों का स्वाद लेने के लिए। ओ माई गॉड, बूबू आपका तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर।
शर्माओ मत बबू, लेकिन शर्माओ मत। कस लगनी पे जरा स्वाद बता दियो, कस लगनी है? और तुम के ने बुलाना चाहे है वो स्वाद बता दियो बस। बुबू के तो बुला दियो, मतलब भल लागनी नक लागनी ने चिमड़ हरी कस हरी। आप तो स्वाद बता दियो बुबू कस लागना। अल्लाह तुमको नहीं अच्छा तेरा का वीडियो बोल रहा है बुलाना ने। स्वाद तो बता दियो कस लागो, स्वाद बता दियो बुबू। ओ जी जी शिकाड़ बोचनी लोग में शिकाड़ बोचनी तो गाड़ी हो बुबू। स्वाद बता दियो कस लागो, स्वाद कस लागो जी जी। देखिए शिकाण पोचनी बुम मामा अलीत काका बुक मामा अलीत बुप चना मारे देखो ना पिता मैं गलत मले गए ना जिंगा बुबू बहुत अच्छा लग रहा है दगड़ियों। ये देखिए कितने लोग हमारे घर के यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं और चूड़ कूटने में सब व्यस्त है, अपने अपने काम यहाँ कर रहे हैं और चूड़ कूटते रह रहे हैं सभी और कोई टाइम टाइम पे आता रह रहा है चूड़ों का स्वाद लेने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी चाचा भी आ गए हैं और थोड़ी देर पहले बूबू भी आए थे और नितिन भाई के बूबू भी आ रखे थे, तो बहुत अच्छा लगा। आप चले गए साथ नितिन भाई के बूबू चूड़ चखने के बाद और शिंगार लगाने के बाद। दोनों बाबू और बेटा यहाँ चूड़ों को भुन रहे थे, घड़ियों भी देखो कितनी अच्छी जोड़ी है इनकी। यो आए अरे ये देखिए इनकी जोड़ी देखिए, तो अल्लाह मार जी चल अबू बाबू ने घर में चल अबू बाबू का बेल तुम ना कूटो मैं अगलो कूटती बेल। राशन लागी छा बोझो अच्छा यो अरे पुतरी पुतरी खतरनाक रे तुम्हारी हैं। अच्छा कौन किलो सनी फिले 20-25। अच्छा 20-25 किलो तुम्हारा भार तू ना हकार हकार को जल्दी है नहीं हो इन्हें पसीना मगला जान पड़ रहा हकार हकार ने। मम्मी भी आ गई है घास लेकर। ओ मम्मी मम्मी आ गई सा घाली वेर सॉन्ग घा चाची भी आ गई अब घास लेके गरगल लेके अच्छा गरगरा पात भे वा। अच्छा आ चाची वैसे कितनी स्मार्ट लग रही है, वाओ यू आर लुकिंग सो क्यूट चाची, क्योंकि आज आपने एकदम चट्टा रंग का वो पहन रखा है ना बनीन। आहा आज खाने में बन रही है आलू की सब्जी, तो मम्मी ने आलू काट के रख रखा है और चूल्हे में कढ़ाई रख दी है तेल उबालने के लिए रख दिया है, तो आलू की सब्जी में पड़ेगी छाछ, तो ऐसी सूखी सब्जी नहीं बनाएंगे, छाली साग पकौन दगड़ी है आज। और यहाँ मम्मी ने लहसुन और मिर्च भी काट दिए भी है न मम्मी छाली साग खुनने है न जोर को कौन है। हमने भी कंटर में नीचे गर्म पानी होने के लिए रख रखा है। तो दगड़ियों मैं आ चुका हूँ कमरे में और हर रोज की तरह आज भी बाहर हो चुका है अंधेरा। तो आज के इस व्लॉग के एपिसोड में भी दगड़ियों कुछ इतना ही था, ये आज से हमारे वहाँ चूड़ की कुटाई शुरू हो चुकी है, तो आज के इस व्लॉग से भी आपको एक और अपडेट मिल गया होगा कि जब दिवाली आने वाली होती है तो दिवाली से थोड़े दिन पहले यहाँ हमारे वहाँ पहाड़ों में चूड़ की कुटाई करी जाती है। तो आप में से जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको ही पता होगा कि ऐसे चूड़ कूटते हैं, और आजकल शायद आपके यहाँ भी कूट रहे होंगे आपके गाँव में भी, और कई जगह तो कूट भी गया होगा, और मतलब आप कूटना शुरू हो गए होंगे और कई जगह मतलब कूट भी गया होगा चूड़, लेकिन हमारे वहाँ आज से शुरू कर रहे हैं चूड़ कूटना। तो इतना ही आज के ये ब्लॉग से भी आपको अपडेट दे दिया मैंने थोड़ा बहुत है ना, सुबह भी कूट रहे थे लेकिन सुबह मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं स्कूल जा रहा था, तो इस वजह से शाम को भी कूट रहे थे चच्चा लो और छनामो लली राठौर, तो इस वजह से शाम को मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन और कुछ ज़्यादा मैं आज सूट नहीं कर पाया, वो चूड़ की कुटाई में ही ज़्यादा टाइम लग ही गया था, लेकिन खाने में भी काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आ गया। और चूड़ में ना चूड़ और चीन सबसे बढ़िया लगता है ना, चूड़ और चीन मिला के दोनों को मिक्स करके खाने में बहुत ही मज़ा आते हैं। तो ऐसा कुछ था आज के इस ब्लॉग में भी, तो
अब ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दगड़ियों, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है बाहर, अब आगे को मैं अपने भी और भी काम करता हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो यार भाई के लिए एक लाइक और एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी तुम्हारा भाई हर कमेंट्स की रिप्लाई और हर कमेंट में दिल तो दे देता है। और अगर आपको पहाड़ों से प्यार और लगाव है तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई पहाड़ों से रिलेटेड अपनी पर डे की एक्टिविटी और यहाँ का अपडेट आप लोगों को देता रहता है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।